हेलो एवरीवन कैसे हैं आप सब तो ये मेरे पास कुछ वीडियो क्लिप्स बची हुई थी तो ये मैंने सोचा आज शेयर कर देती हूँ क्योंकि मैंने आ, उस दिन जो वीडियो डाला था परसों उसमें कुछ रह गई थी क्योंकि वीडियो फिर बहुत लंबा हो जाता ना इसीलिए नहीं किया तो यहाँ हमारा फ़ोटो सेशन चला हुआ था कि आ, मैं सोनी को बोल रही थी कि हमारी फ़ोटोज़ खींच यहाँ पर तो बस ये लोग बेचारे जो उधर गए हुए थे सब चल पड़े हैं जल्दी जल्दी में क्योंकि बारिश लग पड़ी थी ना हल्की हल्की बूंदे हो गई थी शुरू तो जी इधर हो रहा है फोटो सेशन ये मैं और जठानी ये वापसी को आते हुए वे का वीडियो है तो ये जरूर से ज्यादा ही हुए हैं सारे के सारे बस इनकी यहाँ पे चली हुई है मस्ती ये अपनी लगाए जा रहे हैं तो ये चढ़ाई चढ़ते हुए का वीडियो है सुनिए आप इन लोगों की बातें ये शाम का वीडियो घर आने के बाद का और ये हैंसी लगा हुआ मस्ती करने तो यहाँ बस खाना खुना खा के हम लोग हो गए थे फ्री तो ये इसको मस्ती चढ़ी हुई थी मैं इसको बोल रही हूँ यहाँ पे कि तेरे बम दिख रहे हैं ये छुप रहा है कि मेरे को मत आप लोग इसमें तो बस इसके बाद मैं लग पड़ी थी जी आ, शाम की तैयारी में तो आजकल तो डेली सेम ही बनता है कुछ नया नहीं बनता आलू ही बनाने होते हैं तो बस मैं यहाँ पे आलू ही खिल रही थी बॉईल मैंने कर दिए थे और आलू छिल के रख रही थी इतने दिनों से आलू आलू खा रहे हैं ना तो अब आलूओं को देखने का भी मन नहीं कर रहा है बट तो क्या कर सकते हैं व्रत में यही सब खाते हैं तो फिर एक टाइम नमक खाना होता है तो उसके हिसाब से ही बनाए होते हैं तो जी बस ये आलू वगैरह छील के साथ ही मैं बेटे को पढ़ाने बिठा दूंगी और यहाँ मैं कुछ आप लोगों के साथ बात करना चाह रही थी पर मैंने कहा आपको बताती हूँ कुछ आवाज़ यहाँ पूरी क्लियर नहीं आ रही थी इसलिए मैंने कहा चलो मैं ऐसे रिकॉर्ड करके आपको वॉइस क्लिप डाल के बता देती हूँ यह है कि, कि अगर आपको आप नहीं वीडियोस पसंद आते हैं तो कोई बात नहीं लेकिन ये मत सोचिएगा कि मुझे पता नहीं चलता है मुझे पता होता है कि कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है एक हैं जिनको संडे का ही टाइम मिलता है मेरी वीडियोस को देखने का और वो डिसलाइक भी करते हैं करते हैं तो कोई बात नहीं करें वो मैं यहाँ पर उन्हीं के लिए कर रही थी ये से अच्छे से वॉइस क्लिप आई नहीं थी तो मैंने कहा मैं ऐसे बता देती हूँ कि बोलते हैं ना जलने वाले जलते रहें तब तक आपको कैसे पता चलेगा कि आप कुछ अच्छा करने जा रहे हो या कुछ अच्छा कर रहे हो या कुछ लाइफ में अचीव करोगे तो मैं जानती हूँ उनको जिन्होंने जो मेरे को मेरे मुंह पे मीठे बने होते हैं लेकिन पीठ पीछे वो ये सोच रहे होते हैं कि चलो इसको क्या पता चल रहा है पर मेरा नेचर वैसा नहीं है मैं मुँह पर जैसी हूँ वैसी ही आपके पीठ पीछे हूँ क्योंकि दोगला इंसान बनना मुझे नहीं आता है और दोगला इंसान बनना भी नहीं चाहिए तो कोई बात नहीं जिनको आदत होती है कि दूसरों की सक्सेस देख के खुश नहीं होते हैं तो मैं उन्हीं के लिए बोल रही थी यहाँ पे कि जलने वाले जलते रहो अपना मेरा जितना मैं एफर्ट लगा सकती हूँ जितने मैं कर सकती हूँ वो मैं करूँगी और तो इसके बाद मैं लग पड़ी थी इसको पढ़ाने और इसके स्कूल का काम करवाने तो जब से इसकी क्लासेस लगी हैं तब से वो कंटिन्यू क्लासेस लगती हैं दस बजे से लेकर और एक बजे तक तो बच्चे भी थोड़ा ऑनलाइन मतलब मोबाइल की वजह से थोड़े डिस्टर्ब से हो जाते हैं तो इसको थोड़ा गैप चाहिए होता है ना तो शाम को जब मैं आती हूँ तो मैं इसको खुद ही काम करवाती हूँ जो इसका थोड़ा बहुत बचा होता है और सबमिट वगैरह करवाना होता है वो मैं खुद करवाती हूँ और थोड़ा बहुत रिवाइज भी करवा देती हूँ क्योंकि अभी साथ साथ नहीं करवाएंगे तो बच्चे छोटे हैं तो इनको इतना नहीं पता चलता है तो भूल चुके हैं वैसे तो अभी जो पहले करवाया था और अब मैं तो इन्हें फिर रिवीजन हो रही है तो रिवीजन में भी इनको बताना पड़ता है थोड़ा थोड़ा करके क्योंकि छोटे हुए हैं बड़े सभी बच्चों का यही हाल है और अब शायद कोरोना की वजह से इस साल भी स्कूल नहीं लगेंगे और अब तो शायद सारे जो ऑफिस वगैरह हैं वो भी बंद कर दिए हैं तो स्कूल कॉलेज तो बहुत दूर की बात है बच्चों के स्कूल्स का और अब बेटी की टेंथ की है तो समझ नहीं आ रहा है कि कैसे कैसे तैयारी करेंगे ये लोग ऑनलाइन भी कितना पढ़ेंगे तो जी बस ये आज का वीडियो है तो ये बना रही है सैंडविच अपने लिए और इसने भी आज का फास्ट रखा था लेकिन वो इसका टूट गया इसको याद नहीं रहा और इसने बीच में वो खा लिया वाई वाई खाते रहते हैं कुछ ना कुछ तो बस जी ये अपने लिए बना रही है सैंडविच बना रही है अब धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा काम सीख रही है मैंने कहा चल कोई ना खा ले तू अपनी पसंद में जो इनको मन करता है बना के खाने का वैसे भी आजकल बच्चे खाना कम खाते हैं बाहर की चीज़ें ज़्यादा खाते हैं तो चलिए जी फिर आ मेरा वीडियो आपको आज का कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताएं और प्लीज़ अगर नए हैं मेरे चैनल पे तो सब्सक्राइब ज़रूर करें और प्लीज़ अपने नियर एंड डियर जितने भी आपके हैं फैमिली रिलेटिव उन सब में वीडियो शेयर किया कीजिए और आ, अपना सपोर्ट दीजिए मुझे भी ताकि जो आ, अभी हम लोगों को इतना न्यू है फील्ड में तो चलो कुछ समझ में आएगा कुछ सीखने को मिलेगा तो जी चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए अब अप अपना ध्यान रखिए अपने और अपने फैमिली वालों का ध्यान रखिए और जितना हो सके खुद को और खुद की फैमिली को सैनिटाइज ज़रूर करें जब भी कहीं से आए और जाएँ तो चलिए जी फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाय बाय टेक केयर